नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं क्योटी प्रखंड के नया गांव पूर्वी पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, अभी नमाज ख़त्म हुआ है और फौरन नमाज ख़त्म होने के बाद अपने अपने घरों पे जा रहे हैं। और आज जो मिथिला लाइव 24 है वो निकल पड़ी है पंचायत चुनावी यात्रा पे, जहां हम लोगों से जानेंगे कि जो यहां 5 सालों से मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे कितना संतुष्ट है। यहां पे एक शिक्षित व्यक्ति है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुखिया जी के द्वारा जो कार्य किया गया है उनसे कितना संतुष्ट है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद शहबाज चांद नाम है। कौन से वार्ड के हैं? 5 नंबर वार्ड। अच्छा, ये बताइए कि जो 5 वर्षों में आपके मुखिया जी हैं उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ही खुश है, बहुत ज्यादा ही काम किए हैं और लगता है कि उत्तर प्रखंड में सबसे ज्यादा काम करवाने वाले मुखिया हैं। जैसे क्या सब कार्य हुआ है आपके पंचायत? लीजिए, पूरा विकास है, सब कुछ ढलाई, गली गली योजना, जल योजना के बाद। क्या आपके घर में नल लगा है? हाँ लगा। जलाता है? हाँ सब आता है। अरे पूछिए ना, और भी सरकारी लाभ मिल कुछ? हाँ सब कुछ मिला है। और भी हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 सालों में जो मुखिया जी के द्वारा कार्य किया गया है उनसे कितना संतुष्ट है। सबसे नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक अशरफ हुआ। कौन से पंचायत के हैं? आप लोग सामने से हट जाइए। कौन से पंचायत के हैं? नयागांव पूर्वी पंचायत। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके मुखिया जी हैं 5 सालों में जो काम किए हैं उससे आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं लोग, इसलिए कि जितना भी गली वगैरह सब बाकी था वो सब भी हो गया। इंदिरा आवास, जल नल, शौचालय वगैरह सब में ये है। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र 55 हुई। क्या आपको जो है सो जो आपके पंचायत में है जो लोग हैं, जैसे वृद्ध महिला हुई, वृद्ध व्यक्ति लोग हैं, क्या उनको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? एकदम मिल रहा है। हम लोग जो है सारे का पेंशन करते हैं, छूटा भागा जो कुछ गलतियाँ होंगी उसमें वही बाकी है 5-10, बाकी सबको पेंशन जो 60 वर्ष। और एक और वृद्ध व्यक्ति है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद फारूक। बाबू आप लोग सब सामने से हट जाइए। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मुखिया जी हैं आपके पंचायत में जो 5 साल में काम किए हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, मिला जुला के ठीक ही है। कौन से वार्ड में घर हुआ आपका? 9 नंबर वार्ड। कितना उम्र हुआ? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं, वृद्धा पेंशन नए गांव पूर्वी के बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि जो 5 साल में मुखिया जी का कार्य हुआ उससे ये लोग कितना संतुष्ट है। जी सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। कौन से पंचायत के हुआ? हम पंचायत बाबू सलमपुर पंचायत के हैं, नया गाँव पूर्वी के हैं। तो ये बताइए कि जो आपके मुखिया जी हैं 5 साल से, या पंचायत समिति है, या कोई भी प्रतिनिधि है, उनके द्वारा जो काम किया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। क्या संतुष्ट हैं आप काम से? हाँ, क्या सब काम हुआ? बहुत सारे काम होते हैं, रोड के हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब चीजें होती रहती है, पानी टंकी। आप चाचा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आगे आ जाइए। जी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? रोड बना, हमारे रीमान मुखिया जो है रोड बना, उसका पानी टंकी बना, तो हम लोग को तो वही चाहिए। रोड बनेगा, पानी मिल रहा है, और क्या चाहिए? नाम क्या? आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना का काम कैसा रहा आपके पंचायत? अच्छा रहा। घर में आपको आता है पानी? पानी आता है। पानी मिलता है? हाँ, 7 नंबर में मिलता है। अच्छा, और भी कोई नाला वगैरह बना है? नाला बना है। अरे लाइन इधर बना है। चलिए ठीक है, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी नहीं। तो अभी चुनाव आने वाला है, अभी चुनाव 2 महीने के बाद आने वाला है, तो कैसा माहौल है अभी आपके गाँव का? बहुत अच्छा है। क्या मतलब के जो अभी जो प्रत्याशी हैं आपके मुखिया, क्या फिर से चुने जाएंगे या फिर बदलाव होगा? अब मुखिया बदलाव होगा, चुना जाएगा तो पब्लिक ना समझेगा। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे हैं? हम तो देंगे मुखिया, हम अपनी बात आपकी राय में जानना चाह रहा हूँ। देंगे प्रिजमान मुखिया को, यानी कि जो वर्तमान में मुखिया। जी जी हाँ। चलिए, हाँ, तो हमारे साथ एक और वृद्ध व्यक्ति मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पंचायत के मुखिया हैं वो 5 साल में जो विकास का कार्य किए हैं
से आप कितना संतुष्ट हैं? सब रोड का काम किया, हर काम किया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। कौन सा पंचायत के हैं आप? बाबू सलीमपुर के। बाबू सलीमपुर। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। कितना साल हो गया? कितनी उम्र? 60 और 7 66। 66 साल आप। आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है? मेरा आज भी खत्म है। अच्छा तो ये बताइए कि आपके गांव में आपके घर पे नल बना है? हाँ नल बना है। जल पहुंचता है? जल पहुंचता है। हमारे साथ नया गांव पूर्वी पंचायत की बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि जो मुखिया जी हैं इनके पंचायत के, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उनसे कितना संतुष्ट है। अच्छा ये बताइए अहाँ के नाम की भेल? सोनिया देवी। अहाँ के जो मुखिया जी छथिन काज करै छथिन? नहीं काम करते हैं। हाँ तो आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ हाँ। कौन वार्ड है? कौन वार्ड है? चार नंबर वार्ड है। हाँ। आपसे जब पूछेंगे तब आप बोलिएगा, अभी हम महिलाएं से पूछ रहे हैं, महिलाएं से बात करने दीजिए। चार नंबर है, गली गली ढलाई भी भेली है। हाँ। आज जो काम है से काम भेली है। कहाँ सब मुखिया जी के काम से खुश छे? हाँ। वृद्धा पेंशन मिले? हाँ हाँ हाँ। घर में नल जल लगा हुआ है? हाँ। जलाता है? जल नहीं आता। जल आपका? अमित पासवान। नल लगा हुआ आपके? नल लगा हुआ है मगर सही से पानी नहीं देता है। तो क्या इसके लिए मुखिया जी को आपने? मुखिया जी को क्या बोलेंगे हम? मुखिया जी को जी आपके पंचायत के मुखिया हैं तो, और उनके ही द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, तो आप मुखिया जी को नहीं शिकायत कीजिएगा तो फिर किससे कीजिएगा? मुखिया जी को तो बोले थे एक बार हम। क्या बोले? मुखिया जी बोल रहा है बुद्धू पासवान बनारसी पासवान के पास जाओ, 8 नंबर है, उसके देख रेख में है। अच्छा। तो अभी तक कोई सुझाव नहीं दिया, पूरा पानी चालू करता तो आंगन। बताइए आप नवयुवक हैं जी, जो आपके मुखिया जी हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हम मुखिया जी का काम से संतुष्ट हैं। अच्छा कौन से जाति के हुए हैं? हम पासवान। कौन सा वार्ड हुआ है? ये 4 नंबर। तो मुखिया जी आपका काम किए हैं? जी काम किए हैं। वृद्धा पेंशन इंदिरा आवास मिलता है? इंदिरा आवास नहीं मिला है मेरा। इंदिरा आवास नहीं मिला? नाम मिला आया? नाम आया था, उसमें भी अड़चन हो गया है। क्या कारण रहा कि अड़चन? कारण ये हो गया है, वार्ड नंबर बोला जो इनको मिला हुआ है। हमको बोलिए, हम मीडिया है, हम निष्पक्ष हैं, आप खुल कर। मिला हुआ है जो नाम आया था, मिलने वाला भी था, तो बोला जो नाम इसको मिल गया है नाम कटवा दिया हमको। यानी कि आपको पहले मिला हुआ है? क्या जी भी इसके कारण लड़ा? आपको पहले मिला हुआ है? नहीं मिला नहीं, लेकिन वार्ड मेंबर साहब कहे कि मिल गया है। पैसों का डिमांड किए थे? पैसा का डिमांड उमांड नहीं, कुछ नहीं किया था। पैसा का डिमांड नहीं किए थे, सीधा बोले कि आपका जो है सो आपको मिल गया है, सोचे नाम कट दिए? नाम कर दिया, आया था चेक इन करने के लिए। अच्छा। फिर जाके नाम कटवा दिया। हाँ बोलियो। हाँ और की वजह से? हमारे दलाल के पैसा 6,000 बाकी है, नहीं मिला? नहीं। गांव में बाढ़ आया था? हाँ, घर घर ढूकल चल बउआ, ढूकल छले बाहर। हाँ, कहाँ कहाँ पानी घुसल छले? गंगना आर में घरे घरे पानी। हाँ, सारे लोगों को मिला है? हाँ हाँ। क्या कारण, क्या कारण रहा? आप लोग तो मुखिया जी से बात की होंगी कि क्यों नहीं मिला, पूछ नहीं? हाँ पूछा लिया तो कल बात आ जात। हाँ अच्छा। सबके अखन तक नहीं आला बुआ? अखन तक नहीं आला। गोरा बाकी छे? पाँचों गोरा बाकी सारे लोग के। तो हो सकता है कहीं आधार कार्ड में हो गलती हो, चाहे अकाउंट में गलती हो, वो कारण हो सकता है। तो चाची आपका नाम क्या हुआ? हाँ यही वार्ड के छे? हाँ चार वार्ड। मुखिया जी के काम से संतुष्ट? हमारे छी का संतोष, हमारा आपके बड़ बढ़िया। की होता है अभी जो दू महीना के बाद चुनाव होने वाला है, तो के जीतते? आप जे जीते अल्लाह के किस्मत के खेल है, किस्मत के बात है। पंचायत समिति जो होता है, समिति नहीं जानती है? पंचायत समिति जिला परिषद सबसे घटिया इंसान है जिला परिषद। जिला परिषद का नाम हुआ? जिला परिषद, जिला परिषद का समीम भाई। समीम भाई है सबसे घटिया आदमी। कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा नया गांव पूर्वी है। नया गांव पूर्वी है। हमरा के देखभाल ने केला का जिला जिला परिषद? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं। अहाँ से पूछे जाए कि जो मुखिया जी छथिन अहाँ के पंचायत के, वो जो कार्य किए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं। मुखिया जी काम नहीं किए हैं? कोनो काम नहीं किया। कौन मुखिया काम किया? कुछ नहीं दिया, पैसा बुड़ गया जाकट वाला। अच्छा पैसा दिए थे जॉब कार्ड बनाने के लिए? पैसा दिए थे जॉब कार्ड बनाने काम किए थे जब योजना वाला में, अभी तक पाई नहीं मिला। ढलाइया सब कौन करा दे? इंदिरा आवास मिला?
नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं केवटी प्रखंड के नया पूर्वी पंचायत में, नया गांव पूर्वी पंचायत में, जहां हमारे साथ चुनाव पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने 5 वर्षों में अपने पंचायत की जनता को कितना उपलब्ध कराया है, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ, नल जल योजना हुआ, सड़कें हुई, नाले हुई, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा मिथिला लाइव 24 में। शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान, ग्राम पंचायत नयागांव पूर्व के मुखिया, वर्तमान मुखिया मोहम्मद रिजवान जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत की जनता को क्या क्या उपलब्ध कराया। पिछले 5 वर्ष में हमने नयागांव पूर्वी की जनता में गली गली, आप शायद जाके देख सकते हैं, मैंने गली गली नाली रोड सड़क बनवाने का काम किया। और नाली कौन से वार्ड में आपने बनाया? नाली मैंने ये आपके सामने ही 5 नंबर वार्ड में बनाया, और हर वार्ड के अंदर आप काम मेरा देख सकते हैं जाके, जहां मैं गली गली रोड बना चुका हूँ। करीब करीब समझिए कि इस गांव का तो नयागांव पूर्वी का 90% काम अभी खत्म हो चुका। कितने सड़की बनाई गई जो आपको मनरेगा के तहत होता है, 7 निश्चय के तहत होता है, वित्त योजना के मैंने उसमें पंचम वित्त आयोग के तहत नाला बनाया है, रोड बनाया है, 14वीं वित्त आयोग के तहत रोड करीब 25-30 रोड मैंने बनाया इस पंचवर्षीय जी 25 पंचवर्षीय में मैंने, और 7 निश्चय के तहत भी गली नली का काम हुआ है, जो आप देख सकते हैं घर घर जो है गली बना हुआ है, और आप खुद जाके देख सकते हैं उसको। आपने अपने पंचायत के में कितना जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना योजना जो मेरे पंचायत में कम से कम 200 से ऊपर अब तक मिल चुका है, 200 से ज़्यादा ही पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 200 से ऊपर 300-350 के करीब इंदिरा आवास 5 वर्ष में मिला है। यानी कि लोगों को आपने उपलब्ध कराया? हाँ, उपलब्ध कराया है। आप इंदिरा आवास देख सकते हैं जाके, हम आपको दिखवा सकते हैं अभी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कितना वृद्धा पेंशन पास किया गया? वृद्धा पेंशन तो बहुत सारा पास हुआ है। देखिए, वृद्धा पेंशन पास ब्लॉक से होता है। बिल्कुल जी, ब्लॉक से होता है, उसमें मुखिया का कोई रोल नहीं है। जो अप्लाई करता है, हमारे यहाँ भी ऑपरेटर रहता है, वो अप्लाई करता है, वृद्धा पास हो जाता है। उसमें वृद्धा पेंशन पास करने के लिए उसमें मुखिया की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मुखिया का कोई इसमें रोल नहीं, इसमें अहम रोल नहीं है, लेकिन आप प्रखंड विकास पदाधिकारी जो पंचायत सचिव होते हैं वो सर्वे करते हैं, इसका रिपोर्ट करते हैं। और अभी तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने 60 वर्ष इससे पहले बीपीएल ये लोग ढूंढते थे, अब तो 60 वर्ष हुआ और सभी को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है सबको वृद्धा पेंशन मिला है। तो अच्छा, ये बताइए कि जो कोरोना काल के समय में जो बाहर के आपके क्षेत्र के जो आपके पंचायत के जो मजदूर आए वहाँ से, उनको आप लोगों ने क्या क्या उपलब्ध कराया, जैसे मास्क वगैरह? उसमें कोरोना काल में जो सरकार का निर्देश हमारी तरफ से आया कि उसको मतलब हर व्यक्ति को जो घर परिवार संख्या है उसको 2 साबुन और मास्क वितरण करने का आदेश आया था, हम लोग को चिट्ठी आया था, उसके हिसाब से हमने हर घर जो भी परिवार है, एक घर में 5 परिवार है तो हमने सबको 4-4 मास्क दिए और 2 साबुन एक परिवार में 2 साबुन और 4 मास्क करके। उनके जो रहने खाने का व्यवस्था किस तरह? व्यवस्था का भी तो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था हमारे नयागांव पूर्वी पंचायत के फुलगाई में बना हुआ था, वहाँ भी लोग ठहर रहे थे, उस समय कोई दिक्कत नहीं हुआ। और जो कोरोना काल में जो सरकार ने सैनिटाइजर करने के लिए किया, हमने 13 वार्ड में किया। अच्छा, तो ये बताइए, नल जल योजना जो 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना है, कितना काम कंप्लीट हो सका? काम मेरे यहाँ करीब 13-12 वार्ड का काम कंप्लीट है, जो मैं दिखा सकता हूँ आपको, और पानी चला के भी दिखा सकता हूँ, आप खुद देख सकते हैं जाके, टंकी बना हुआ है। सर, अभी वार्ड नंबर 7 का मैंने देखा, वहाँ पे नल लगे हैं, वहाँ पे पाइप लगा है, लेकिन कई पानी सुबह शाम दिया जाता है, आप हर वक्त चाहिएगा कि पानी तो नहीं मिलेगा इसमें सुबह और शाम, जो उसका जो अभी ऑपरेटर है ठीक से बाल नहीं हुआ, वो पानी चलाते हैं सवेर में शाम को, आप खुद भी मोटर ऑन करके देख सकते हैं 24 घंटे। यानी कि पानी लोगों को नहीं, पानी पूरी तरह मिल रहा है, पूरी जिस तरह सरकार का निर्देश आया वार्ड कल्याण कमेटी के तहत हमने पैसा दिया और सभी वार्ड मेंबर ने उसको काम कराया। और भी ऐसा कोई कार्य जो जो है सो लोगों को आपने किया, लोगों के लिए? मैंने बहुत सारा कार्य किया, और जो सरकार की जो होती है योजना वो तो हो ही पूरा हो ही रही है, अभी तक चल ही रही है योजना अभी भी मेरा कई रोड बन रहा है और जो चल रहा है, जो अभी भी लगता है चुनाव से पहले 2-4-5 रोड और बन जाएंगे, तो सभी योजना पे काम हो रहा है। और 7 नीचे का भी काम जो कुछ गली नली का है, जो एस्टिमेट बना है, वो काम हो रहा है, अभी तो समय है 1-1.5 महीना, तो हम भी जो काम बचे हुए उस काम को पूरा किया। हाँ, पूरा अभी काम चालू है,
प्रगति पे काम है। आप देख सकते हैं जाके, आप मेरे नयागांव पूर्वी के अभी बाबूसलिमपुर गांव है, ये हरिजन टोला है, आप खुद देख सकते हैं, उसका फोटो लीजिए। घर घर पक्की सड़क मैंने बना दिया है, नई रोड बना दिया है। आप मेरे पूरे बाबूसलिमपुर के जो 6 वार्ड है, यहाँ वार्ड में जाके देखिए, आप जमीन स्थल पर देखिए, सुनिए नहीं, आप खुद देखिए, आप नाला देखिए, सामने रोड देखिए। सर, मिथिला लाइव अभी जो चुनावी जो एक्सप्रेस है वो आपके पंचायत में आई है, और जनता जो है लोगों से जानना चाह रही है कि जो आपके पंचायत के मुखिया हैं उनके द्वारा कितना विकास किया गया। उसके बाद में हम जनता की राय जानने के बाद हम आपसे जो है सो इंटरव्यू ले रहे हैं। सारी चीज़ें हमें पता है कि आपके यहाँ कितना विकास हुआ है, कितना क्या हुआ है, सारी चीज़ें हैं, हमारे चैनल के माध्यम से सारे लोग देखेंगे। नहीं नहीं, आप देखिए, आप जो है घर घर जा करके जो नाला बना है, अगर इंदिरा आवास का आप चाहते हैं तो मैं सामने इंदिरा आवास बना दिखा सकता हूँ, रोड दिखा सकता हूँ, नाला दिखा सकता हूँ, जमीन स्तर पर देखिए, बोलने से नहीं होता काम, वो काम हम लोग कर लेंगे। नहीं, आप देखिए, हमारे सामने देखिए, जो लोग कह रहे हैं या कोई ऐसा आदमी विरोधी मेरे कह रहे हैं नहीं है, तो आप तो देख सकते हैं ना, जो कैमरा लाइव दिखा सकते हैं, नाला भी, रोड भी, और जो टंकी बनी हुई है, पानी चला के भी हम दिखा सकते हैं। सर, आपने आपने बड़ी अच्छी बात कहा कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपका विरोध भी करेंगे, लेकिन आप खुद उस चीज को वेरीफाइड करें। बिल्कुल करें, मैं सामने में आपको दिखा सकता हूँ, नाला आप सामने वो देखिए, पंचम का बोर्ड लगा है, अभी सामने मेरे सात नीचे का बोर्ड लगा है, वो देख लीजिए, टंकी देख लीजिए, और सारी योजना इंदिरा आवास में दिखा सकता हूँ बना हुआ है, और काम चल रहा है मेरा इंदिरा आवास का। सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करूंगा कि जो 5 साल मेरे पर जनता ने विश्वास किया, मैं उस पर पूरी तरह से खरा उतरा काम किया हूँ आगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है? नहीं, मेरे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है सादिकपुर के नाम से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो छोटा सेंटर था जो अभी क्यूटी से ही वो डील हो रहा है। तो सर, क्या कारण हो रहा कि वो चालू नहीं हो पा? वो स्वास्थ्य केंद्र, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अभी स्टाफ वहाँ नहीं है, वो क्यूटी से ही प्रभारी जो है वहीं से डील हो रहा है। पहले आप लोगों ने इस चीज़ के लिए नहीं उस चीज़ के लिए हमने मीटिंग में, जो हम लोग का समिति का मीटिंग है उसमें आवाज़ उठाया, तो उन्होंने कहा कि कर्मी अभी कम है, इसलिए यहीं से रैयाम और क्यूटी से उसका काम चल रहा है।